जी सर, समीक्षा बैठक किया है, समीक्षा बैठक आपने किया है, एक महीने के अंदर दूसरी बार आप आए यहाँ। माइक नीचे कीजिए भैया, भाई माइक नीचे बोलिए सर। समीक्षा की बैठक साल में भैया पीछे थी ना, भैया पीछे थी ना, दो राउंड किया, लेकिन उसके अलावा बाकी संगठनों के बारे में मेरे मन में बात आई कि इसको हम जरूर देखते रहेंगे कि आखिर पुलिस पूरे पुलिस विभाग का इस पूरे गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो पुलिस विभाग है उसके अंतर्गत जो कुछ भी अन्य कई प्रकार के उनके काम, एक एक चीज को देखना चाहिए। एक बार अगर दो बार अगर कोई प्रेजेंटेशन में कुछ बात को रखते हैं और खास करके हम लोग क्राइम के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में चर्चा करते रहे या जो कुछ भी जो हम लोगों ने लागू किया शराबबंदी को, तो लेकिन उसके अलावे और सारी चीजें हैं उनको भी देखना बहुत जरूरी है। तो पिछली बार कहा था कि हम आते रहेंगे, तो इसे पिछले सप्ताह आए थे, आज भी हम आ गए और आज आपको हम बता देते हैं कि आज हमने दो चीजों को देखा, एक तो सीआईडी को और दूसरा बीएमपी। तो सीआईडी की भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनेक प्रकार की जिम्मेवारी इस विभाग के अंतर्गत है और जो क्राइम का जो फिगर है कि किस थाने में किस प्रकार का क्राइम हुआ उसके पूरे आंकड़े उन्हीं के पास होते हैं और इन्होंने पिछले दो वर्षों से जो कुछ भी दिखाया है और एक एक चीज को कहा कि आप देखिए जांच करिए और किस तरह से इस काम में कोई देरी हो रहा है या किसी के इंक्वायरी में इन्वेस्टिगेशन में सब चीजों को मेरा नहीं है बात हुई। तो आज पूरे तौर पर हमने जाना सीआईडी का कि क्या इनको जरूरत है और किस काम को किस प्रकार से करना, एक एक चीज को देख करके उनके और जितने उसमें अन्य लोगों की आवश्यकता है, अधिकारियों की जरूरत है, दूसरे अपने पुलिस पर्सन की जरूरत है, इन सब के लिए आज हमने एक बात कर दी है कि वो प्रपोजल आप लोग ले आइए और इसको जरूर करिए ताकि निश्चित समय, और सिर्फ यही नहीं कि कुछ मामले को दे दिया जाता है सीआईडी को, कई मामले को इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाता है, तो सीआईडी का जो इन्वेस्टिगेशन है ऐसा न हो कि वो समय पर नहीं, वो भी बिल्कुल समय पर होना चाहिए। इसके इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए आपके यहाँ क्या है, तो एक एक चीज को हमने देख लिया है और जो कुछ भी हमको उसमें सुझाव देना था हमने दे दिया, अब उसके आधार पर ताकि ये पूरा का पूरा सीआईडी का बल मजबूत रहे और सिर्फ जानकारी नहीं लेना, एक एक चीज पर निगरानी रखना और नजर रखेंगे। अभी भी कई चीजों को दिया जाता है कि सीआईडी इंक्वायरी करती है और दूसरी चीज की सीआईडी इंक्वायरी जो हो रहा है उसको देखती, लेकिन उस सर्टेन कुछ ही मामले होते हैं, तो अब जो भी कहीं भी अपराध हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो एक एक चीज के बारे में पूरी जानकारी रखना और अपराध को नियंत्रित करने के लिए क्या काम किया गया उस पुलिस बल के द्वारा या इसके द्वारा। और इसके अलावा आप जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो कुछ भी जिला में पुलिस का मुख्यालय रहता है या जनरल जो भी है जिला का, सब कुछ डीएम का एसपी का सबका एक साथ होता है, तब इसमें भी हमारे कई प्रकार के विंग्स हैं तो उनके लिए कोई जगह नहीं, तो वो भी जगह हमने आज तय करवा दिया है कि भाई उसका उसके साथ ही आप इसका बिल्डिंग बगल में ही बनाएंगे। तो ये पूरी बात हुई है, मतलब एक एक उसके डिटेल्स में कि कहाँ क्या जरूरत है ताकि ये इफेक्टिवली प्रभावी ढंग से जो इनकी जिम्मेवारी है इसको काम करें, सब चीज़ पर नज़र रखें और कहीं कोई अपराध के बारे में तो जानते हैं कि दो विंग बन गया है और थाने में एक हिस्सा को कर दिया गया है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को देखेगा और एक हिस्सा को देखा गया है कि उसको जांच करना है अपराध, तो ये दोनों काम कर रहा है। तो जो भी अपराध का जाँच होगा उसको एक एक चीज़ पर अगर कोई पूरे तौर पर, एक तो जिम्मेवारी है एस पी की, जिम्मेवारी है डीआईजी उसकी, तो उनको जो भी आईजी की, तो ये लोग तो करेंगे लेकिन एक एक चीज पर पूरे तौर पर इनको देखना पड़ेगा सीआईडी। तो एक बात तो ये हमने निर्णय कर दिया कि ताकि कहीं भी कुछ क्राइम हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन का हुआ, ये पूरे तौर पर एक एक चीज को देखना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि हो गया
और उसका दायर हो गया कोर्ट में, जो कुछ भी हो इन्वेस्टिगेशन पूरा करने के बाद, तो ये भी देखना होगा हर जगह कि जो कुछ भी वहाँ पर फेस करते हैं वो ठीक ढंग से पूरा इन्वेस्टिगेट किया है कि नहीं हुआ है। तो एक एक चीज़ पर मैंने बात की है कि एक एक चीज़, और बाकी तो क्राइम के नियंत्रण के लिए जो जिम्मेवारी है और कितना कर रहे हैं वो सब बात तो अब ये लोग कर रहे हैं, और उसके बारे में तो एक अलग नज़र है, तो ये देखा है। और दूसरा, आप जानते हैं कि अलग से डीएमपी बना हुआ है आज से नहीं बहुत पुराने ज़माने से, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत तो ना हो, उनको कोई कठिनाई तो नहीं है। तो एक एक चीज़ को हमने देखा है जानबूझ करके, और आपको इतना ही कहेंगे कि हम आते रहेंगे, और इन सब चीज़ों को करते हुए अंत में हम क्राइम की स्थिति जरूर पूछते हैं, और इसलिए पूछते हैं कि भाई देखना बहुत जरूरी है नीचे से ऊपर तक कहाँ हो रहा है और उसने देखा या नहीं देखा, किस प्रकार का अपराध हुआ, किसने अपराध किया, उसकी इंक्वायरी में कितना समय आप लगा रहे हैं, कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, पूरे तौर पर कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कोई पर्टिकुलर एरिया में ही ज़्यादा हो रहा है तो आखिर कारण क्या है, उसको पूरे तौर पर निगरानी रखना, उस पर नियंत्रण रखना, तो देखना ही है पुलिस का काम। देखिए, हम जीवन में ऐसे ही संतुष्ट कभी सर सामने देखे सर, हम अपने काम करते रहे, हम अपने से संतुष्ट हैं, हम दूसरे पर क्या करें, हम तो रोज किस लिए काम करें, अगर खुद संतोष हो जाए कि सब चीज ठीक है तो क्यों करेगा सर। 2005 में प्रतिदिन इसी चीज को शुरू से कर रहे हैं, और इसलिए हम आप लोगों को बता दिए कि अब एक बार जो हम बंद कर दिए 15 के बाद थर्ड टेन्योर में, कि भाई अब लोक शिकायत निवारण कानून बना दिए तो जनता के दरबार में मुख्यमंत्री की आवश्यकता नहीं, लेकिन इधर मसूद लोगों को इसके चलते कष्ट हुआ, भले 7 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों ने लोक शिकायत निवारण कानून का फायदा उठाया, तो अब उसको भी हम करेंगे। ये सिर्फ कोरोना वाला कुछ दिन का हो जाएगा, इसके बाद हम कल ही बात किए बताया, तो सब तो हम करते रहें, हम ऐसे ही चैन से नहीं बैठते, और हम तो आ करके अब दफ्तरों में देखेंगे, इसलिए कि कोई इत्मीनान से नहीं रहता। अगर हम नहीं आते थे, अब देखिए कितना सुंदर बिल्डिंग बना आज तक कहीं है, इतना बढ़िया पुलिस मुख्यालय बनाया, एक एक चीज किया, और कैसा पुलिस मुख्यालय, तो आपको सब पता है, इसके बारे में बोलते रहे, लेकिन अगर लोग अपनी जिम्मेवारी पूरे तौर पर नहीं निभाए तो दुखद है ना, तो जो कुछ भी करना है वो तो करते ही रहते, लेकिन हम तो आते रहते। सर एक सवाल, खास चीज को, और ये मत समझिए कि बहुत पहले बता दें, लोगों को बहुत देर से मालूम होता है क्या जिस विषय पर बात, ताकि अलर्ट रहेंगे हर चीज करिएगा तो सब चीज पर अलर्ट रहेंगे, तभी ना कुछ सर क्राइम बढ़ क्यों है, संसाधन से लेकर के मैन पावर तक आप लगातार मुहैया कराए, लेकिन फिर भी अपराध पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, क्या लगता है? नहीं है कहना उचित नहीं है, पूरे तौर पर सब लोग लगे हुए, पूरे तौर पर सब लोग कोशिश में लगे, और हमने तो एक एक बात बता दिया है कि भाई भी आप करते हैं, अब कोई खबर आती है बात, एक एक खबर पर ध्यान दी, सोशल मीडिया पर भी कोई खबर आती है, एक एक चीज पर ध्यान दी, और क्या किया गया इसकी जांच पड़ताल में, और किस स्थिति में आप पहुंचे हैं इसके बारे में भी जो आप करते हैं, और आप जानते हैं कि विज्ञान को जो ADG है उनको बोलना है, मीडिया के साथ बातचीत करना वो तो करते ही रहे, लेकिन उसके अलावे सोशल मीडिया पर भी कोई भी चीज़ है उसके बारे में जानकारी देते रहिए, एक एक चीज़ को छोड़िए नहीं, अगर ये होगा तभी ना कुछ नियंत्रण होगा, आप जानते हैं, और हम तो लगे ही हुए हैं, और इन लोगों पर पूरा भरोसा, और इन लोगों को और ज़्यादा पुलिस बल की ज़रूरत है, अन्य अधिकारियों की आवश्यकता है, इसका भी पता लगाते, और भी इनको कुछ करना है, इनके लिए वाहन करना है, इनके लिए हथियार करना है, हर चीज़ के बारे में इनकी ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए, और ट्रेनिंग अगर ठीक नहीं होगी तो कोई क्या करेगा, तो आप देख रहे हैं कैसा ट्रेनिंग का सेंटर बन रहा, आप जाकर के राजगीर को भी देख लीजिए कि पुलिस वालों के लिए क्या कर, और हर पुलिस बल के लिए जो ट्रेनिंग की व्यवस्था है उसकी भी आज हमने की है कि भाई एक एक जगह पर ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं होनी, ऐसा नहीं हो कि ट्रेनिंग पूरा नहीं हो और उसको काम में लगा दें, तो ये नहीं होना चाहिए।
एक एक चीज पर हम भाई नजर रखते हैं। कांग्रेस विधायकों की बेटूर जितना हमको जो समझ में बात आती है करते सर, कांग्रेस विधायकों की आप लोग भी कुछ चीज को प्रकाशित करते हैं, हम उस पर भी ध्यान देते हैं। कांग्रेस विधायकों की ये भी आप लोगों की जरूरत है, बहुत बड़ी बात है सर। आप लोग भी अगर सब चीजों को प्रकाशित करते हैं सारी तंत्र, तो बहुत बड़ा चीज होता है। आप कर देते हैं तो वो तो नजर में बात आती है। इन लोगों के द्वारा जितनी सूचना दी जाती है वो तो एक हिस्सा है, और आप लोगों के द्वारा किसी चीज को दिया जाता है वो एक हिस्सा है। तो हर चीज को देखना, हम तो जानकारी लेते रहते हैं कि आया है भाई क्या हुआ। हम पब्लिकली भले ही नहीं बोलते हैं सब चीज, एक्शन भी होगा सर, लेकिन इतना होना चाहिए जरूर। कहीं से भी इसमें कोई कमी आएगी हम इसको नहीं टॉलरेट करेंगे, एकदम बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे तौर पर ससमय जांच करना चाहिए, पूरा करना चाहिए, ठीक ढंग से जांच करना चाहिए, निर्दोष को नहीं करना चाहिए और दोषी को नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं हो कि भाई कोई बेचारा निर्दोष है झूठ फूट के आप उसको पकड़ और दोषी है उसको छोड़ रहा, ये नहीं हुआ। तो उसके लिए पूरे तौर पर पूरी सक्रियता के साथ, पूरी सजगता के साथ इंक्वायरी का काम कर। एक और जानकारी आ रही है कि कांग्रेस विधायकों के टूट की खबर आ रही है, यही कारण है शक्ति सिंह गोयल भी खुद को मुक्त करके यहाँ से चले गए। सर कांग्रेस विधायकों का हम तो अपने काम में लगे रहते, इन सब चीजों पर अभी हम ध्यान नहीं। अगर आते हैं तो हम वेलकम करेंगे, दरवाजा खुला हुआ है ना सर आपका। कोई संपर्क हमसे तो किसी ने कोई संपर्क नहीं किया, तो हम क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ठीक, ये सब चलता रहता है हर पार्टी में, अंदर अंदर भी बहुत बात चलती रहती है। कोई किसी पर बोलता है, कोई किसी पर बोलता है, वो अपने अपने पार्टी का रूप नहीं मानते। लेकिन इसके बारे में हमारे सामने किसी ने संपर्क नहीं किया, इसलिए भी इन बातों पर ध्यान है। आएंगे तो बुलाइएगा ना सर। देने की मांग की गई मायावती और सोनिया गांधी को भारत रत्न देने की मांग की जा रही है। मांग करने का तो अपना अपना हर तरह का हर किसी को अधिकार है, जो जो भी मांग करे। तो उन लोगों के पास तो था ही पहले सरकार, तो आज मांग कर रहे हैं पहले ही दिलवा देते। ठीक ठीक।